हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन राधे क्रिएटिव फिंगर्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आपके पुराने हेयर बैंड को आप एक न्यू लुक दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्राफ्ट वायर लिया है और उसे इस तरीके से कट करके इसको मैं हेयर बैंड के सिरे पे कुछ इस तरीके से वार्प करती हूँ। वार्प करने से ये सिक्योर हो जाएगा और बार बार ओपन नहीं होगा। और ध्यान रखना है कि हमें जो नुकीले हिस्से को अच्छे से दबाकर उसे ऊपर की तरफ ही रखना है, जिससे अगर वो हिस्सा थोड़ा भी निकला हो तो वह अनकंफर्ट ना हो और सिर में ना चुभे। इसके बाद में मैंने दो वाइट मोती लिए हैं, उन्हें इस वायर में इस तरीके से पिरोने के बाद में एक बार वापस से वार्प किया है। फिर मैंने एक कॉपर कलर का मोती लिया है और इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना है और नीचे से वायर को वार्प करना है। फिर मैंने वापस सेम प्रोसेस को रिपीट किया है, दो वाइट मोती लिए हैं, फिर वापस से मैं इसे नीचे से वार्प करती हूँ और इसे वायर को स्ट्रेट करने के बाद में मैं इसमें वापस से कॉपर कलर की इस मोती को इसमें पिरो देती हूँ। हमें सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। हमें वायर को बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखना है, जिससे वायर इधर उधर हिले या फिर इसमें गैप हो। तो हम सेम इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते जाएंगे और देखते हैं कि हमें एक सुंदर सी डिज़ाइन मिल जाती है। मैंने सोचा था मैं सेम डिज़ाइन को पूरे हेयर बैंड पे अप्लाई करूँगी, बट मुझे बाद में पता लगा कि मेरे पास जो कॉपर कलर वाली मोती है वो लिमिटेड है और वो पूरे हेयर बैंड में नहीं लग पाएंगे। देखिए इस तरीके से ये सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हो रही है। सो मैंने बाद में कुछ कलरफुल मोतियों को इसमें अप्लाई किया है। इस तरीके से मैंने 4 कलर के मोती इसमें अप्लाई किए हैं। तो आप लोग देखिए किस तरीके से अब न्यू डिज़ाइन मिलने वाली है अपने को। आप चाहो तो सेम डिज़ाइन से बना सकते हो, बट अभी मेरे पास ये अवेलेबल नहीं थे तो मैंने कलरफुल बीट्स इसमें लगा दिए हैं। और ये वायर मुझे छोटा पड़ रहा था और बहुत ज़्यादा बड़ा वायर लेने से हमें जब हेयर बैंड बनाते हैं इसको वार्प करते हैं तो ये काफ़ी अनकम्फर्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा बड़ा वायर नहीं लिया था। तो जब ये वायर हमारा ख़त्म हो जाता है तो इसे हम वापस किस तरीके से न्यू वायर को वार्प करके दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी मेरा ये वायर ख़त्म होने वाला है तो मैं सेम इसी तरीके से इन मोतियों को पिरो रही हूँ और सेम ये वाली देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हो रही है और ये पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है, बहुत प्रीटी। और ये किसी भी ड्रेस के साथ मैच होता है, आप किसी भी कलर में बना सकते हो। आपको वाइट बनाना है या फिर दो कलर कॉम्बिनेशन, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने 4 बीट्स के बीच में वाइट बीट्स दिए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मेरा ये वायर है जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अब मैं इस पर न्यू वायर को वार्प करने वाली हूँ। जब ये मेरा वायर ख़त्म हुआ है तो मैंने इस पर इसको अच्छे से वार्प कर दिया है। अब मैंने दूसरा वायर सेम इसी तरीके से जो मैंने स्टार्टिंग में करी थी, स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बार इसको वार्प किया था। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार नहीं, बट इसको अच्छे से सिक्योर करना, अच्छे से इसके एटलीस्ट 2 राउंड तो हमें लेने हैं। इसके बाद में मैंने इसको लेकर वापस से सेम प्रोसेस से मैंने बीट्स इसमें लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखिए सेम वही प्रोसेस चलेगी और देखते ही देखते बहुत ही सुंदर हेयर बैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी डिज़ाइन पसंद आएगी। आप लोग इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत इजी है। आपको ये जो क्राफ्ट वायर है ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा और बीट्स तो हर जगह अवेलेबल हो ही जाते हैं। तो आपके क्राफ्ट की जो भी शॉप है, लेस की जो होती है, जो फैंसी आइटम्स जो हम ड्रेसेस बनाते हैं वहाँ पर ये सब अवेलेबल हो जाएगा।
तो देखिए इस तरीके से कम्प्लीटली बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कितना ब्यूटीफुल, किस तरीके से मैंने इतने साधारण हेयरबैंड को इतना एकदम न्यू लुक दिया है। और इस तरीके के काफ़ी हेयरबैंड हमारे घर में रखे होते हैं, तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम न्यू लुक दे दिया है। आप इसे बच्चे कहीं बाहर जाते हैं किसी फंक्शन में तो भी वियर कर सकते हैं। अगर आपको ये नीचे अगर वायर अनकंफर्ट होता है, वैसे ये अनकंफर्ट नहीं था इसलिए मैंने इसमें नहीं लगाया, फिर भी अगर ऐसा होता है तो आप नीचे की तरफ में एक वेलवेट का कपड़ा या फिर कोई भी ऐसा कपड़ा इसमें नीचे की तरफ पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लुक दे रहा है, बहुत सुंदर। ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।